विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने ब्रिटेन में कोविड 19 संक्रमण की नई प्रजाति सार्स कोविड 2 के पाए जाने की खबरों के पर संज्ञान लेते हुए इसके जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने और इसकी नियंत्रण व बचाव के लिए समय से पूर्व ही सक्रिय रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 23 दिसंबर की आधी रात से 31 दिसंबर 2020 तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। इसके तहत हर रोज 7 घंटे तक रात में कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक है। अधिकांश शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले 187 दिनों के बाद पिछले 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 16,500 से कम दर्ज की गई। बता दें कि 187 दिन पहले 25 जून 2020 को 24 घंटे में 16,922 नए मामले सामने आए थे। वहीं मंगलवार को पिछले 24 घंटे में 16,432 नए मामले सामने आए। भारतीय रेलवे द्वारा 2020 के खत्म होने के ठीक पहले विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नए डिजाइन के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन के आगे की सीट पर ड्राइवर के बगल में एक एयरबैग लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। इससे ड्राइवर के साथ बगल में बैठने वाले यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के निष्कासित दो विधायकों राजदीप गवाला और अजंता नियोग ने मंगलवार को गुवाहाटी में राज्य सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीरभूम के बोलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के रोड शो के जवाब में मंगलवार को ममता बनर्जी ने भी बोलपुर के डाक बंगला मोड़ से जामबनी मोड़ तक पदयात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने हाथ में एक तारा लेकर लगभग 4.5 किलोमीटर तक पदयात्रा की, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से एक और पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मृतक का नाम सत्यव्रत पॉल है। वह कोलकाता पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड थे। वर्तमान में वह उत्तर 24 परगना के बैरकपुर स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेट पुलिस अकादमी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। बिहार में नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज राजभवन के लिए पैदल मार्च किया। किसान महासभा के द्वारा पटना में आयोजित राजभवन मार्च में काफी संख्या में कई किसान संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान सड़क पर उन्हें पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को राजभवन जाने से रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। चीन ने अब मटर को भी भारतीयों के सेहत को बिगाड़ने का एक जरिया बना लिया है। चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की सेहत को बिगाड़ने का एक नया जरिया तैयार किया, जिसे नेपाल के रास्ते भारत में भेजा जा रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि आपके खाने में इस्तेमाल होने वाला मटर है, जिसे चाइनीज मटर कहा जाता है। केमिकल से तना यह हरा मटर बड़ी मात्रा में तस्करों के जरिए भारत भेजा जा रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।